तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्टिकल। और आर्टिकल जैसा कि आप जानते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कैसे आर्टिकल का आखिर यूज होता है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं से भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और जो भी इससे पहले वीडियो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जैसे टाइम एंड टेंस, वॉयस, ओके, प्रीपोजिशन और मॉडल वर्ब, ओके, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। यदि जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को पहले देख ले। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल का, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल के वैसे रूल जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आर्टिकल होता क्या है तो समझिए, ए एंड, ओके, एंड द। हालांकि ये टी एच ई को द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है, देखिएगा ध्यान से। जब इसके बाद भावेल आता है ना, जब इसके बाद भावेल आ जाए तो दी पढ़ते हैं, और जब कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, ठीक है। हम इतना आपको बता दिए। तो ए एन और द को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ए एन एंड द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ, ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा कि आर्टिकल दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट, ओके, फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल, ओके, एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। पहला हमारा इनडेफिनिट है और दूसरा क्या है जी, डेफिनिट है, ठीक है। इनडेफिनिट में आपका कौन कौन सा आता है जी, तो ए एन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट, ए एन को क्या हम लोग बोलते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल, और द को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट यहां से हम लोग समझे। फर्स्ट पॉइंट इज ए एन एंड द को आर्टिकल बोला जाता है। सेकेंड वन इज की जनरली आर्टिकल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन को बोला जाता है तथा डेफिनिट आर्टिकल द को बोला जाता है, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज जनरली हम लोग नाउन के लिए करते हैं, ठीक है। जिस सेंटेंस में नाउन हो उसी में हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में नाउन नहीं होता है फिर भी हम लोग आर्टिकल का यूज करके गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग कि जिस सेंटेंस में जनरली ये नाउन होता है ना उसी सेंटेंस में हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधा एग्जाम्पल्स को करते हैं, उससे क्या होगा कि ज्यादा बेहतर होगा, चीजों को समझने में ज्यादा आसानी भी होगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को बहुत अच्छे से अभी डील करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हम बोले कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, सबसे पहले ही इज ऑनेस्ट। होता क्या है कि हम लोग पढ़ने के लिए सीख जाते हैं ऑनेस्ट और लगा देते हैं कौन सा आर्टिकल इससे पहले, एन, बट ये लिखना बिल्कुल ही हमारा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ऑनेस्ट आपका नाउन नहीं है। आप कैसे सर ऑनेस्ट नाउन है, क्योंकि ये किसी ना किसी व्यक्ति का क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, ऑनेस्ट है। हाउ का जवाब जनरली कौन देता है, तो एडजेक्टिव, कैसा है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, वट एवर, ओके। सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड आते हैं तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज करना बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। दूसरा चीज, यदि यही सेंटेंस ऐसे रहे, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय, ओके, देन हम लोग आर्टिकल का यूज इसमें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट के साथ आपका नाउन आ गया ना, क्या आ गया जी, नाउन आ गया, इसलिए हम लोग ऑनेस्ट के लिए ये आर्टिकल नहीं यूज करेंगे बल्कि नाउन के लिए करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां भले ही इसके अकॉर्डिंग यूज होगा लेकिन ओरिजिनल में हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं आर्टिकल, तो ये बॉय के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट कर देंगे, ठीक है।
अगर थर्ड एग्जाम्पल पर चले हम लोग तो ही इज, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कैसे यहां एन लगा दिए, ए क्यों नहीं हुआ, द क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके मेमोरी में आ सकता है यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो आना भी चाहिए, ठीक है। हम सारे चीजों को क्लियर करेंगे, बस अभी हम बता रहे हैं कि कहां आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। पहला हमने देखा कि केवल एडजेक्टिव हो तो उसमें आर्टिकल नहीं होगा भाई, आर्टिकल के लिए एटलीस्ट नाउन हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसमें भी हम लोग आर्टिकल लगाकर गलती कर देते हैं, इसमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें नाउन का यूज आगे नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हमारा आर्टिकल का यूज करना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बट यहीं पर यदि ये सेंटेंस रहे कि ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, तो फिर इसमें आ गया आपका बॉय और सिमिलर है इसलिए हम लोग ए कर देंगे। अब इसमें आप कहेंगे सर ए क्यों, इसमें एन क्यों, तो आई एम गोइंग टू डील ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके, डोंट बी हेजिटेट, ओके। हम सभी पॉइंट को एक एक करके क्लियर करेंगे। हमने इन सभी एग्जाम्पल में एक ही चीज देखा, क्या देखा जी, कि आर्टिकल का यूज वही करेंगे जहां पर कहीं ना कहीं आपका नाउन दिया होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आराम से सीखिए, अच्छे से सीख जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए अगर बात किया जाए आर्टिकल के यूज का, तो हम लोग समझ लिए कि आर्टिकल के यूज में एन हो चाहे द हो उसमें नाउन का होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। देखिए इनडेफिनिट कहने का अर्थ क्या है जी, ए और एन, ए और एन का यूज हम लोग देखने वाले हैं, देखिए जरा। तो देखो सबसे पहले ए एन का मतलब अगर निकालिएगा तो इसका ओरिजिनल मतलब वन के लिए होता है, मतलब एक के लिए हम लोग ए एन का यूज करेंगे। यानी यहां से आपका पहला रूल ये आया, ये पॉइंट, कि हम लोग ए एन का यूज कैसे नाउन होगा, ठीक है, नाउन के लिए तो करते हैं लेकिन कैसे नाउन के लिए करेंगे, तो नाउन आपका होना चाहिए कैसा बाबू, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका कैसा नाउन होना चाहिए जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर का मतलब एक, काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जाए, ठीक है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तब जाकर आप ए एन का यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ए एन का मतलब ही होता है एक, ठीक है। अब मान लीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है और यदि आप नहीं करिएगा देन आपका सेंटेंस एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम बोले दिस इज चेयर, ओके, दिस इज चेयर, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज चेयर इज व्हाट, हियर चेयर इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी मस्ट यूज आर्टिकल, आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे, ओके, बिकॉज बिना आर्टिकल का हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा लिखना बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या लिखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ओके। यानी सबसे पहला रूल हम लोग ये सीखे कि कहीं ना कहीं सिंगुलर काउंटेबल के लिए आर्टिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं, और कौन सा आर्टिकल जी, ए एन, ठीक है ना। रुक जाइए जरा, दूसरा बात आता है आपका कि सर ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे, तो आपको हम बता देते हैं कैसा ट्रिक, ठीक है, यदि जानते होंगे तो बहुत बढ़िया बात, नहीं जानते होंगे तो उससे भी बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज के बाद आप इस चीज को अच्छे से जान जाइएगा, ठीक है। देखिए ए का यूज हम लोग कहां करते हैं, जब हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन क से, ठीक है, ह तक हो। ये क्या बता रहे सर, हिंदी में क्यों,
बिल्कुल हिंदी में आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, अगर का से हा के बीच में वो उसका वर्ड आया देन उस कंडीशन में आप ए का यूज करिएगा, और अ से अ तक आया जनरली तो आप किसका यूज करिएगा माय डियर स्टूडेंट एंड का यूज करिएगा, ठीक है ना। कब? जब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तब, ठीक है ना, वो भी कैसा, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट कहने का मतलब जब पहला बार आया हो तब, ठीक है। अब देखिए इस पर थोड़ा दो चार क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या इसका फंडा है। देखिए हम बोले सी इज एसपी, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को। अब देखिए एसपी जो है, ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक, तो एसपी यहां हम लोग को फुल फॉर्म नहीं बल्कि एसपी अगर ऐसे लिखते एस, देख रहे हैं ना, तो पहला लेटर कौन सा आएगा जी, अ से अ के बीच में है, यानी हम ए लगाकर कभी भी भूल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बता दो, एन का यूज करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ना। सी इज ब्लैंक डीएम, अब देखिए डी देख रहे हैं ना, डी है तो आराम से का यूज कर देंगे। ही इज एस डीएम, देख लीजिए आप एस है तो क्या यूज करिएगा, एन यूज करिएगा। मतलब ऐसे सेंटेंस में आप आसानी से एन का यूज कर लीजिएगा, बस आपको ये वाला ट्रिक याद होना चाहिए। अब दे देता है कभी कभी क्या, देखिए कभी कभी सेंटेंस में दे देता है हम लोग को क्वेश्चन में ऐसा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भवेल रट लेते हैं कि अगर ए आई ओ यू आ जाएगा देन उस कंडीशन में ही हम लोग केवल एन का यूज करेंगे, बट ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अब मान लीजिए हम बोल दिए यूरोपियन, यूरोपियन, अब यूरोपियन कैसे लिखेगा, यू देख रहे हैं ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा ए, ठीक है, न कि एन, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफी है। अब कुछ भी आएगा अगर वो नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है, देन उस कंडीशन में आप ए एन का यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको देखते चलना है। आपसे क्वेश्चन है हमारा कि क्या ए एन आर्टिकल का यूज प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है प्लूरल। अब आप ही बताइए प्लूरल का मतलब एक से अधिक, हम तो पहले ही बता चुके हैं जी कि ए एन का मतलब एक होता है, इसलिए हम लोग वी ऑब्वियसली सेज दैट कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए या एन का यूज नहीं करेंगे। अभी हम द पर नहीं आए, ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ए एन आर्टिकल का, ठीक है। थर्ड, क्या अनकाउंटेबल से पहले ए एन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से भी बिल्कुल ही इससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको एक दो तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए इस कंडीशन में भी हमारा ए एन आर्टिकल का यूज बिल्कुल ही गलत है। आया बात समझ में ना, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो तीन कंडीशन, पहला अगर आर्टिकल का यूज हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका क्या है जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही अनकाउंटेबल के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये था ए एन का यूज। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड जैसे देखिए जनरली टाइप ऑफ आ जाए, ठीक है ना, आपको हम बता देते हैं टाइप ऑफ आ जाए, टाइप ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रकार होता है, ठीक है। किसी सेंटेंस में मान लीजिए टाइप ऑफ दिया है, ठीक, तो उससे पहले हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, भले ही आपका सिंगुलर व्हाट टाइप ऑफ ए बॉय कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, जितने भी प्रकार का मतलब वर्ड है ऐसे में हम लोग आर्टिकल का यूज, या देखिए ईच के बाद आपको हम बता देते हैं, अगर ईच ए बॉय लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत, मतलब ईच हो एवरी हो जितने भी वर्ड होते हैं इसके बाद तो आपका सिंगुलर काउंटेबल होता है या पजेसिव हो, ठीक है, इसके बीच में हम ए एन आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में ना, आ रहा बात समझ में ना, तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है, वो आपका टाइप हो शॉर्ट हो, ठीक है ना,
कोई भी SORT शॉर्ट का मतलब क्या होता है, प्रकार ही होता है, उस टाइप में हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यदि हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहता है ना, एक्सक्लामेटरी, जैसे हम लोग बोलते नहीं है जी व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, गर्ल सी इज, तो ऐसे में आप आराम से क्या करिएगा, आर्टिकल का यूज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट एन, ठीक है, व्हाट एन या ए, जो भी आपका ऐसे में आ जाए उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज ए एन का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल जो भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज था, ए एन का यूज था। अब हम लोग समझेंगे आर्टिकल द का यूज, ठीक है, और वहीं से हमारा स्टार्ट होता है असली यूजेज ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आइए आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं डेफिनिट आर्टिकल। देखिए नाम से ही पता चल जाता है, आखिर इसका नाम भाई डेफिनिट है, तो कहीं ना कहीं डेफिनिट का सबसे पहले मतलब समझते हैं। देखिए किसी का भी नाम यदि है ना, तो नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। डेफिनिट आर्टिकल कहीं ना कहीं इसके नाम से ही आधा, ठीक है, हमारा रूल मिल जाता है कि कहीं ना कहीं डेफिनिट है तो डेफिनिट का मतलब क्या हुआ। डेफिनिट का मतलब क्या है, निश्चित। निश्चित का मतलब कहीं ना कहीं उस नाउन के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। अरे बात समझ में, सबसे पहले देखिए डेफिनिट आर्टिकल तो द हो गया, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं जी, द को बोलते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए द का, तो सबसे पहले समझिए सॉरी आर्टिकल द का यूज कहां कहां करते हैं। इसके लिए भी हमारा नाउन चाहिए, बिल्कुल नाउन चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल नाउन चाहिए। तो सबसे पहले क्या सर, हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं। देखिएगा पहले समझिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या एन आर्टिकल का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या आर्टिकल द का यूज हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एन तो हम लोग देख चुके हैं, अब द देख रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा, होना भी चाहिए कि सर अभी तो आपने बताया कि एन का यूज हो सकता है, फिर आप बता रहे हैं कि द का यूज। हम बता रहे हैं ना ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस, डोंट वरी, बस वीडियो को पूरा देखिए। अंत में आप कह दीजिएगा, ये कमेंट प्लीज कर दीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। दूसरा, क्या सर हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गजब। ये प्लूरल के साथ भी हो गया, सिंगुलर के साथ भी हो गया, क्या हम लोग अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं, क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल द का तीन कैरेक्टर, तीनों के साथ हम लोग, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, चाहे आपका कैसा नाउन हो जी, आपका नाउन हो अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन एक चीज तीनों में कॉमन होना चाहिए कि नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी, डेफिनिट होना चाहिए। आया बात समझ में, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू इतने अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि कहीं से भी यदि ये क्वेश्चन आएगा तो ये छूटने वाला बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना। आइए चलिए, तो सबसे पहले हम लोग दो तीन एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से जितना अच्छा समझा जा सकता है ना, ये रूल वगैरह, ठीक है ना, काम नहीं करता है। देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए हम बोल रहे हैं ही इज बॉय। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं He is boy who speaks English. Who speaks English? Okay. अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। He is boy.
वह लड़का है। देखिए किसी भी लड़के को देखकर आप कह सकते हो, किसी भी एनीबॉडी को देखकर बोल सकते हो कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। मतलब कहीं भी इससे पता नहीं चल रहा है कि किसी खास लड़के का बात हो रहा है, पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यानी ही इज ए बॉय, ठीक है, बट ही इज बॉय, वह लड़का है, वही लड़का है हु स्पीक्स इंग्लिश। देख रहे हो ना, आप यहां से पता कर सकते हो वही लड़का है जो अंग्रेजी बोलता है, जो क्या बोलता है जी, अंग्रेजी बोलता है, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं ये बॉय आपका डेफिनेट हो गया, वही लड़का है जो अंग्रेजी बोलता है। अगर ये कॉन्सेप्ट सीखे तो 20% क्वेश्चन आपका इससे सॉल्यूशन हो जाएगा आराम से। यानी इसमें ए का यूज करना गलत हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे जी, आर्टिकल द का। क्यों सर? क्योंकि ये आप सभी लड़कियों को नहीं ना बता रहे हो जी, आप तो बोल रहे हो कि वही लड़का है जो अंग्रेजी बोलता है, यानी डेफिनेट का बात हो रहा है, लेकिन इसमें किसी डेफिनेट स्टूडेंट का बात नहीं हो रहा है। फिर देखिए और एग्जांपल, हम बोले दिस इज एप्पल। अब देखिए दिस इज एप्पल, पहला बार एप्पल है, किसी भी एप्पल को आप बोल सकते हो, तो क्या यूज करो बताओ, एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। और दूसरा सेंटेंस दिस इज एप्पल विच माई ब्रदर बॉट, बताइए, वही सेव है जिसे मेरे भाई ने खरीदा, तो वही सेव है जिसे मेरे भाई ने खरीदा, कहने का मतलब क्या, ये पार्टिकुलर एप्पल का बात कर रहा है। अरे बात समझ में ना, ये सभी एप्पल का बात नहीं कर रहा है, वो सेव, यह वही सेव है जो मेरे भाई ने खरीदा, मेरे भाई ने खरीदा। यानी कहीं ना कहीं डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट में आप क्या यूज करते हो, द का यूज करते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल से, इन चारों एग्जाम्पल से आपका एकदम से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल से और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए हम बोले देयर इज ब्लैंक मोबाइल, ठीक है, देयर इज ब्लैंक मोबाइल, देयर इज मोबाइल मतलब देयर इज मोबाइल, एक मोबाइल है, अब किसी भी, एक नहीं दिया हुआ है लेकिन आप जान रहे हो कि मोबाइल है, पहला बार आया है तो एक का यूज करेंगे। और हम बोले देयर इज ब्लैंक मोबाइल, ओके, विच इज वेरी कॉस्टली, विच इज वेरी कॉस्टली, ठीक है ना, वही मोबाइल है जो काफी क्या है जी, महंगा है। और महंगा है मतलब सब मोबाइल का बात नहीं हो रहा है, वह मोबाइल जो महंगा है, यानी कहीं ना कहीं डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो क्या यूज करिएगा, आर्टिकल द का यूज करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ रहा बातें समझ में ना, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, उम्मीद हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब आर्टिकल द का यूज आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, चल। क्योंकि देखिए आर्टिकल द को समझने के लिए रटना जरूरी नहीं, आप कंसेप्ट को सीखिएगा तो कभी भी आप भूल नहीं सकते हो। नेक्स्ट, यदि किसी भी सेंटेंस में देखिए सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव, इसका नाम ही है सुपरलेटिव, ये रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो जनरली सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है, द प्लस सुपरलेटिव होता है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, सी इज द बेस्ट गर्ल, आ रहा बातें समझ में ना, तो इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं जी, द। जैसे देखिए ही इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट, तो यहां बेस्ट आपका क्या है जी, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव है तो आर्टिकल द का यूज करिएगा, ठीक है। अच्छा हम बोले कि माई फ्रेंड इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है,
मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा बाबू, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है जी, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले आर्टिकल द हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें द का यूज गलत है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव यदि लगता है तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द नहीं होता है। पजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब आई का माई, वी का आवर, ओके, यू का योर, सी का हर, ही का हिज, क्योंकि यही पजेशन बता देता है ना, इसलिए हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। आई बात समझ में, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं द का यूज, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, जब पजेसिव आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अगला देखिए जो रूल है, ठीक है, अगला जो रूल है आपका कि अगर किसी भी सेंटेंस में कंपरेटिव डिग्री का यूज हो, कंपरेटिव सीडी का, तो कंपरेटिव डिग्री के साथ देखिए जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट दो तीन कंडीशन, दो कंडीशन में इसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए पहला, जब दो में से एक को बेहतर बताया जाए, जब दो में से एक को बेहतर बताया जाए, कहने का अर्थ कैसा, एग्जांपल से पता चल जाएगा, ही इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ टू ब्रदर्स, ठीक है ना, ही इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो या वह दो भाइयों में अच्छा है। देखिएगा जरा, वह दो भाइयों में अच्छा है, ये फॉर्मेशन होता है ऑफ प्लस द प्लस, ठीक है ना, तो यहां बेटर से पहले द का यूज कर देंगे, क्योंकि टू का यूज हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ही इज, अब हम बोलिए राम इज द बेटर देन श्याम, उसमें नहीं होगा क्योंकि दो का यूज नहीं हुआ है। दो में से जब बेहतर बताया जाए उस कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज करिएगा कंपरेटिव डिग्री से पहले। जैसे एक और एग्जांपल हम बोले, सी इज वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो वाइजर इससे पहले क्या यूज करेंगे बाबू, इससे पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वाइजर है आपका और दो में से को बेहतर बताया जा रहा है। आ रहा बात समझ में ना, इसलिए वाइजर से पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। एक देखिए कंपरेटिव डिग्री के साथ कहां यूज होता है, एक कंपरेटिव डिग्री के साथ जरा से समझिएगा, एक कंपरेटिव डिग्री के साथ कहां आर्टिकल द का यूज होता है जरा समझिएगा। देखिए जब सेंटेंस में हमारा पैरेलल इंक्रीजिंग, पैरेलल समझते हैं ना, पैरेलल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, पैरेलल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, जैसे देखिएगा जरा, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, ठीक है, मतलब क्या, जितना तुम्हें मिलता है, जितना द मोर यू गेट, जितना तुम्हें मिलता है और अधिक क्या रखते हो, चाहत रखते हो, द मोर, ओके, द मोर गो यू हायर, ओके, द मोर कूलर यू फील, तो दोनों कंडीशन में ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। या एक और हम बोल सकते हैं, ब्लैंक मोर यू स्टडी, मोर यू स्टडी, ओके, ब्लैंक मोर यू बिकम सक्सेस, मोर यू बिकम सक्सेस, तो दोनों ओर कौन सा आर्टिकल होगा माय डियर स्टूडेंट, दोनों ओर हमारा आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है ना, दोनों ओर आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे। आया बात समझ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एकदम से आप लोग क्या कर लीजिए, समझते हुए चीजों को समझते हुए याद कर लीजिए, ठीक है, कि एक तो आर्टिकल द का यूज कंपरेटिव डिग्री के साथ तब होता है जब कहीं ना कहीं सेंटेंस में दो में से एक को बेहतर बताया जाए, और जब पैरेलल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तब, ठीक है ना, जब पैरेलल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तब, ठीक है। और आगे देखिए, देखिए
अगला हमारा क्या रूल है, तो अगला रूल है कि यदि सेंटेंस में सुनिएगा डायरेक्शन का नाम आ जाए, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से पहले जनरली आर्टिकल द होता है, द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, आ रहा बात है समझ में ना। लेकिन 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 बट अगर नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस किसी जगह का नाम दिया हो, प्लेस, तो उसमें आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ये क्या बता रहे हैं सर, जैसे हम बोल दिए वेस्ट बंगाल, देख रहे हैं ना, वेस्ट बंगाल, तो ये तो आपका डायरेक्शन नहीं ना हुआ जी। जब डायरेक्शन नहीं हुआ तो आर्टिकल द का भी यूज हम लोग नहीं करेंगे। बट यदि हम बोले कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन हम बोले ही लिव्स इन द वेस्ट बंगाल, द ईस्ट इंडिया, वैसे कहना बिल्कुल ही गलत है। आया बात समझ में ना, तो आप यहां तक समझे। इसके आगे का जो भी रूल है, वीडियो चूंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देखने में, ठीक है। तो इतना आप यदि रूल आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, ही इज ब्लैंक वेरी वाइज, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है कि कौन सा आर्टिकल का यूज हम लोग करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।